होने वाले पत्नी के बारे में कश्मकश, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी ऑनलाइन कंसल्टेशंस होते रहते हैं, लोग कॉल करते रहते हैं, सलाह पूछते रहते हैं, मशवरा लेते हैं। उसमें एक फ़ोन आया एक लड़के का, उसका कहना था कि मैंने एक लड़की पसंद की है, घर वालों को लड़की पसंद है, शादी अभी तय होने वाली है, मतलब फाइनल होने वाला है अभी, मगर मुझे ऐसा मन में आ रहा है कि वो लड़की दुबली पतली, बाकी तो वैसे अच्छी है दिखने के लिए। तो मैंने बोला फिर ये सभी को लगती है कि दुबली पतली है? नहीं, बोले घर वाले बोलते कि दुबली पतली नहीं है। उसने मेरे फोटो भी मुझे भेजे उसके, बोले आप देख लो। तो मैंने फोटो भी देखे, मतलब ऐसा लगता तो नहीं कि दुबली पतली लड़की है, तो ठीक लगती है लड़की। क्या करते, मगर मुझे विचार आ रहा है कि वो लड़की दुबली है, फिर मैं शादी कर सकूंगा कि नहीं, मतलब शादी करने के बाद में लोग क्या कहेंगे, फिर अपनी संतान जो होंगी वो भी दुबली पतली होगी, तो फिर दुबले लोगों को बीमारी होती है। मैं ना भाई, ये तो ऑब्सेशन के कार्यक्रम दिख रहे हैं। ऑब्सेशन मतलब बार 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 वही थॉट आना, एक आधा थॉट अंदर घुस जाना। तो ये जो है ना ऑब्सेशन वाले लोग जो है, इनको ऑब्सेशन रहता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी या ऑब्सेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें ये रहता है कि छोटा सा एक आधा विचार घुस गया उनके दिमाग में कि उसके ऊपर ही वो चालू रहते वही 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 विचार, कश्मकश, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। निर्णय ले सकते नहीं, वो डिसीजन बिल्कुल ले सकते नहीं, डिसीजन लिया तो बाद में बहुत पछताते हैं, और उसको ये बहुत ये हो गया कि अभी क्या करूँ क्या नहीं। इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया कि आपकी क्या राय है। मैंने देखो, सवाल यह है कि आपको अभी डाउट आ रहा है कि मैंने करना नहीं करना, लड़की पसंद है मगर डाउट है, तो ये डाउट के सिचुएशन में भी शादी मत करो, बिल्कुल नहीं करने का है। क्यों, क्या होगा, अभी शादी कर लेंगे, दो महीने में शादी हो जाएंगी, फिर शादी के बाद में और वही विचार, फजूल शादी किया, शादी नहीं करना चाहिए था, तो वो भी दुखी, आप भी दुखी, सभी दुखी हो जाएंगे। पहले विचार करो पूरा, शांति रखो, घर वालों को बोलो कि मुझे ये विचार बार बार आ रहा है, ये बार बार विचार आने की बीमारी है, वैसा कुछ भी नहीं है, आपको विचार घुस गया कि वो लड़की दुबली है और बस वही चालू हो गया। एक्चुअली किसको दुबली नहीं लग रही है, आपको लग रही है, आपकी नज़र वैसी है इसलिए आपको लगता है, वैसा कोई उसका वजन कम नहीं है, सब ठीक है। नहीं, बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, मतलब बिल्कुल शादी नहीं करना, अभी रोक दो, जो भी नहीं लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग कुछ भी कहने दो, शादी तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, उनको बोल दो कि अभी मुझे थोड़ा वक्त दो शादी के लिए, मुझे सोचने दो। नहीं, उनको तो मैंने बोला कि मेरे को लड़की पसंद है, मतलब अभी देखो आप लोग क्या कहेंगे इसमें जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, अभी लोगों को दुखी होने दो, आप सुखी हो जाओ, पहले आप देखो कि भाई मेरा जो है वो ठीक है विचार, अभी जो विचार बार 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 आ रहे वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को डाउट है, मेरा मन शांत होने दो, मेरा जो कन्फ्यूजन है वो ठीक होने दो, बाद में एक दो महीने बाद में शादी किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और एक बार 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 विचार जब तक शांत नहीं हो तब तक ये करो, मैं आपको गोली देता हूँ, ये गोली से आपके जो ऑब्सेसिव थॉट्स है वो कम हो जाएंगे। ऐसे सारा जो ड्रग है वो ड्रग से क्या होता है, जो बार 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 विचार एक ही आते रहते, परेशान होता है आदमी, वो कम हो जाते हैं, मतलब उसके बाद में आपको शांति से सोचने का टाइम मिलेगा, बाद में हम देखेंगे क्या करना क्या। बोले एकदम कबूल, बोले मैं आप जो बोलेंगे उसका पालन करूंगा, लेकिन दवा देता हूँ मैं आपको, हिप्नोथेरेपी करता हूँ, आप हिप्नोटिज्म करेंगे, मन कैसा कंट्रोल में लाना, मन कैसा काबू में लाना, विचार कैसे कम करना, उसके बारे में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और आप बाद में अच्छा जीवन जी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने उसको पूछा कि क्यों पहले से ऐसा था क्या? बोले हाँ, पहले से मुझे बहुत ऐसा लगता है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, टिपिकल रहना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जैसी वस्तु जहाँ की वहीं रहना चाहिए। मतलब देखो, आपको पहले से ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है और अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तभी रुक जाओ शांति, और शांति से फिर आराम से शादी करेंगे। तो उसको मेरा कहना पड़ गया, बोले मैं अभी आज ही बोल देता हूँ कि मेरे को दो महीने का टाइम दो, सोचूंगा बाद में बताऊँगा। मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ना डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय लेने के बाद में फिर और करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, फजूल किया, ऐसा उनको लगते रहता है। बहुत सारे लोग हैं, फिर वो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब आगे ढकलते हैं, बाद में करेंगे सोचते, क्योंकि उनको इतना ये हो जाता है कि निर्णय लेने के लिए उनकी क्षमता ही नहीं है। तो वो लोगों को आप ये वीडियो शेयर करो, बोला जब भी कभी ऐसा लगता है आपको निर्णय ले सकते नहीं है, रोको। प्रोज एंड कॉन्स, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये करूंगा तो क्या फायदा है, ये करूंगा तो नुकसान क्या है, सब लिखो, चर्चा करो, बाद में आपको जो अच्छा लगता हो करो, और निर्णय मगर तुरंत ले लो। एक बार निर्णय लिया, बाद में उसके ऊपर सोचना नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।